नाइन टीवी न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन की जानिब से जाली कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एक रैकेट को बेनकाब किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलक नुमा ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन में मुनक्किद एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में बताया। इन्होंने मजीद बताया कि इस खसूस में असल सरखना मोहम्मद सैफ और उनके तीन दोस्त मिसबाउल्ला असलम और फरीद को गिरफ्तार किया गया। नुमाइंदा T9 TV न्यूज़ की रिपोर्ट। T9 TV न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये लोग पूरा ये है फोन पे एविडेंस। पूरा तुम्हारा पुलिस स्टेशन में बगर मास्क मीडिया वाला ऐसा एवरो इन लोग नोल है उनको क्या मालूम है यहाँ पुलिस वाले नहीं है बोल जिसका नंबर देना दे दिया भाई नंबर दे दे हम लोग आते हैं पटको इन लोग आवाज़ वस्तु मालूम पर पढ़ते सर फर्स्ट हाँ मोहम्मद सैफ जो अलीबाग में काला पत्थर में रहता है उन्होंने ये सरून नगर में एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दोस्तों मिसबाउल्ला असलम और फरीद ये लोगों भी उनके घर के आसपास में रहते हैं तो थोड़ा लोगों पहचान तो वाला है। उन लोगों से अप्रोच हुआ है थोड़े लोगों बगैर वैक्सीनेशन लेके उन लोगों सर्टिफिकेट चाहिए। उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी अस्पतालों में जाना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं मगर उन लोगों उनका वजह से पर्सनल रीज़न से नहीं करना चाह रहे हैं मगर सर्टिफिकेट चाहिए उनके वास्ते सर्टिफिकेट होना है बोलो तो मैं करके दे तुम बोल के एक आदमी से 1000 तक लेके उन लोगों को बगैर कोविड वैक्सीनेशन दे के उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ उसमें अभी तक तो 8 जने एडमिशन आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नाम से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है उन लोगों को कुछ चाहिए इन लोगों को प्रोवोक करके ले लिए उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज काला पत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डी ए है उनका टीम जो स्पेशल है वो इन्फॉर्मेशन आने से उन लोगों को हिरासत में लेके इंक्वायरी करके वो सही है इन्फॉर्मेशन सही है मालूम होने के बाद उन लोगों को अरेस्ट करे आज अदालत के सामने पेश करेंगे और रिमांड